हे गाइस, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास एक रियलमी या फिर एक ओप्पो का डिवाइस है और अगर आपका डिवाइस में लॉक स्क्रीन ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे, मतलब जो लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर आता है ग्लैंड्स की तरफ से, वो अगर चेंज नहीं हो रहा है, हर बार सेम ही वॉलपेपर आ रहा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको मैं एक 100% सॉल्यूशन बताऊंगा जिसका थ्रू आपका डिवाइस में लॉक स्क्रीन ग्लैंड्स के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे यूजर ने मुझे कॉमेंट किया जी ग्लैंड्स काम नहीं कर रहा है, वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है, हर बार नया नया वॉलपेपर नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जाओ फटाफट वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप मस्ट भी जरूर चेके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका डिवाइस में ग्लैंड्स के अलावा अगर और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगा। तो गाइस, चलते हैं आज के वीडियो के तरफ। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरे पास भी एक Realme डिवाइस है और मेरा डिवाइस में भी लॉक स्क्रीन जो ग्लैंड्स है वो काम नहीं कर रहा है, नया नया वॉलपेपर नहीं आ रहा है डिवाइस को लॉक करने के बाद भी। तो फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास एक Realme डिवाइस है जिसमें Realme UI 3.0 इंस्टॉल है। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं अबाउट डिवाइस में और यहाँ पे देखिए Realme UI 3.0, डिवाइस नेम भी देख लीजिए Realme GT मास्टर एडिशन। और गाइस देखिए, मेरा डिवाइस में भी लॉक स्क्रीन ग्लैंड्स काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, मैं जितने बार भी आप स्क्रीन को ऑफ किया फिर भी देखिए एक ही वॉलपेपर बार बार आ रहा है, वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपका डिवाइस में भी यहाँ पे सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ एक 100% सॉल्यूशन बताऊंगा जिसका थ्रू आपका डिवाइस में लॉक स्क्रीन ग्लैंड्स अच्छी तरह से काम करेगा और हर बार लॉक करने के बाद आपका डिवाइस है लॉक स्क्रीन में नया नया वॉलपेपर शो करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपका डिवाइस में आपको मेन सेटिंग को ओपन करना होगा। मेन सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस देखिए, आपको एप्स नाम के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपका डिवाइस में Realme UI 2.0 इंस्टॉल या फिर ColorOS, Oppo का डिवाइस में ColorOS 11 इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पे ऐप पे मैनेजमेंट नाम के ऑप्शन आएगा। अगर आपका डिवाइस में Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 इंस्टॉल है तो आपका डिवाइस में यहाँ पे देखिए एप्स नाम पे एक ऑप्शन आ जाएगा। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए इस वाला ऑप्शन एप्स का, जस्ट आपको एप्स ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऊपर में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको जस्ट ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस में जो भी एप्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको थ्री डॉट शायद देखने को मिल जाएगा कॉर्नर में, इस थ्री डॉट ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको शो सिस्टम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको शो सिस्टम ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जस्ट ऊपर सर्च बार में यहाँ पे आपको ग्लैंस लिखना है। तो गाइस देखिए, मैं भी यहाँ पे ग्लैंस लिख लेता हूँ। आपको जस्ट यहाँ पे ग्लैंस लिखना है। ग्लैंस लिखने के बाद आपका डिवाइस में ग्लैंस फॉर Realme का जो ऑप्शन है, जो एप्स है, वो यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस देखिए, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टोरेज यूजेस, जस्ट आपको स्टोरेज यूजेस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लियर डाटा और क्लियर कैशे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको एक एक करके इन दोनों जो ऑप्शन है ना, इसको आपको क्लियर कैश और क्लियर डाटा आपको कर लेना है। फिर आपको बैक आना है। यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको फोर्स स्टॉप ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक मेक श्योर हो जाना है आपका डिवाइस के जो ग्लैंड्स का वर्सन है वो 2.0.3 या फिर इसका कोई अपर वाला वर्सन होना चाहिए। अगर आपका इसका डाउनग्रेड वर्सन है तो आप मेरा Realme Oppo सिस्टम एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आपको इसका लेटेस्ट वर्सन का लिंक मिल जाएगा। आप फटाफट जाके इसको डाउनलोड करके अपडेट कर लेना। तो सिंपली आपको यहाँ पे बैक आ जाना, इससे काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपको जस्ट यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको फिर से सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, ये वाला ऑप्शन देखिए, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। आपको जस्ट होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको नीचे में आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको ग्लैंस फॉर Realme का और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी वाला देखिए, ग्लैंस फॉर Realme। जस्ट आपको ग्लैंस फॉर Realme ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपडेट इन कनेक्ट इन यूजिंग मोबाइल डाटा। जस्ट आपको ये जो ऑप्शन है ना, इसको आपको यहाँ से इनेबल
कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद और एक नीचे में देखिए आपको ग्लैंस को अपडेट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे अपडेट नाउ का एक ऑप्शन है, आपको जस्ट यहाँ पे अपडेट नाउ ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके लिए आपका डिवाइस में मोबाइल डाटा या फिर वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। तो मेरा डिवाइस में जो मोबाइल डाटा है मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अपडेट नाउ ऑप्शन में मैं क्लिक किया, यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए अपडेट इन कनेक्टेड। तो आप देखिए गाइस मेरा डिवाइस का जो ग्लैंस है वो अपडेटेड हो चुका है। आप यहाँ पे डेट देखिए 5/28/2022, मतलब आज की डेट है, आज 28 ऑफ मई है। और टाइम भी देखिए 5/21 और यहाँ पे देखिए 5/22, अभी अभी 21 से 22 हुआ, मतलब मेरा डिवाइस में जो ग्लैंस है वो अपडेट हो चुका है और ग्लैंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं लॉक्सिन का जो ग्लैंस है वो ऑयल पेपर चेंज हो रहा है या फिर नहीं, नया नया ऑयल पेपर आ रहा है या फिर नहीं, यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं जो ट्रिक मैंने अप्लाई किया वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए जो लॉक्सिन जो ग्लैंस है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे डाटा कनेक्शन को ऑफ कर देता हूँ, डीएनडी सर्विस को ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस देखिए देखिए जो ग्लैंस है वो यहाँ पे नया नया ऑयल पेपर आ रहा है, मतलब गाइस मैंने जो ट्रिक अप्लाई किया वो 110% वर्किंग फुल ट्रिक्स है। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में लॉक स्क्रीन ग्लैंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप जाके जरूर इसको ट्राई करके देख लेना। आपका डिवाइस में ग्लैंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके फ्रेंड के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर देना। अगर उसका डिवाइस में लॉक स्क्रीन ग्लैंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका भी डिवाइस में सॉल्यूशन हो जाएगा। यार मिलते हैं और इतने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।